Assalamu alaikum. Today we are going to study about the life of Allama Muhammad Iqbal. So let's start. Question number 1. Allama Muhammad Iqbal kis din paida hue? Correct answer is 9th November 1877. Question number 2. Allama Muhammad Iqbal kis shahar mein paida hue? Correct answer is Sialkot. Question number 3. Allama Muhammad Iqbal का ताल्लुक किससे था? करेक्ट आंसर इज कश्मीरी पंडित फैमिली से. क्वेश्चन नंबर 4. अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज शेख नूर मोहम्मद. क्वेश्चन नंबर 5. अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा का नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज इमाम बीवी. क्वेश्चन नंबर 6. अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा का इंतकाल कब हुआ? Correct answer is 9th November 1914. Question number 7. Allama Iqbal ki pehli biwi ka naam kya tha? Correct answer is Kareem Biwi. Question number 8. Allama Iqbal ne 3 shaadiyan ki aur unme se unki teesri biwi ka naam kya tha? Correct answer is Sardar Begum. Question number 9. Allama Muhammad Iqbal ne apni ibtidai taleem kahan se hasil ki? Correct answer is madrasa se. क्वेश्चन नंबर 10. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कहाँ से हासिल की? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से. क्वेश्चन नंबर 11. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना बैचलर्स किस मजमून में किया? करेक्ट आंसर इज डी, यानी इंग्लिश एंड अरबिक दोनों में. क्वेश्चन नंबर 12. अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? करेक्ट आंसर इज All of these, यानी लंदन, इंग्लैंड और जर्मनी, वो तीनों ममालिक में अपनी आला तालीम के लिए गए थे. क्वेश्चन नंबर 13. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कानून की डिग्री कहाँ से हासिल की? करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 14. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंग्लिस्तान कब छोड़ा लाहौर जाने के लिए? करेक्ट आंसर इज 1905. क्वेश्चन नंबर 15. अल्लामा मोहम्मद इकबाल को डैश यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री दी गई, मुनीच यूनिवर्सिटी से. क्वेश्चन नंबर 16. अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनके किस फलसफे पर पीएचडी की डिग्री दी गई? करेक्ट आंसर इज पर्शियन. क्वेश्चन नंबर 17. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओरिएंटल कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर कब तैनात हुए? करेक्ट आंसर इज 1899. क्वेश्चन नंबर 18. वो लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में डैश प्रोफेसर के तौर पर तैनात हुए? करेक्ट आंसर इज अरबिक. क्वेश्चन नंबर 19. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा डैश के मुताले में वक्फ कर दिया? करेक्ट आंसर इज इस्लाम. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? करेक्ट आंसर इज 1906. क्वेश्चन नंबर 21. अल्लामा मोहम्मद इकबाल किस साल मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए? करेक्ट आंसर इज 1930. क्वेश्चन नंबर 22. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब शाख के डैश मुंतखब हुए? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, यानी सदर मुंतखब हुए. क्वेश्चन नंबर 23. अल्लामा इकबाल ने 1930 में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम का मुतालबा किया, जिसे डैश खिताब कहा जाता है. करेक्ट आंसर इज अलाहाबाद. क्वेश्चन नंबर 24. किस तारीख को इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से खिताब किया, जिसे अलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज 29th December 1930. क्वेश्चन नंबर 25. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी पहली बार किस जबान में लिखी? करेक्ट आंसर इज पर्शियन. क्वेश्चन नंबर 26. अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आम तौर पर उनके डैश के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज पोएट्री, यानी वो अपनी शायरी से मशहूर हैं. क्वेश्चन नंबर 27. अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के डैश हैं? करेक्ट आंसर इज नेशनल पोएट. क्वेश्चन नंबर 28. अल्लामा इकबाल को कौन सा लकब दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑल, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 29. कायद आजम ने उनकी वफात पर तहरीक पाकिस्तान में इकबाल की किस चीज़ की तारीफ की? करेक्ट आंसर इज रोल, यानी उनके किरदार की.
क्वेश्चन नंबर 30, अल्लामा इकबाल की उर्दू में शाया होने वाली पहली किताब कौन सी है? बांगे दरा। क्वेश्चन नंबर 31, अल्लामा इकबाल की वफात के बाद शाया होने वाली आखिरी किताब कौन सी है? करेक्ट आंसर इज आर्मुगान हिजाज। क्वेश्चन नंबर 32, अपने आखिरी सालों में वो अक्सर देश के दरबार पर तशरीफ लाया करते थे। करेक्ट आंसर इज दाता गंज बख्श। क्वेश्चन नंबर 33, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफात किस तारीख को हुई? करेक्ट आंसर इज अप्रैल 21, 1938। क्वेश्चन नंबर 34, अल्लामा मोहम्मद इकबाल किस शहर के हुजूरी बाग में आराम कर रहे हैं? करेक्ट आंसर इज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 35, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस मुल्क का कौमी तराना लिखा? करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।